जयपुर से अब तक की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर को लेकर आप लोगों के साथ में जुड़ चुके हैं, जहां पर जयपुर के मंगलम सिटी पर भू माफियाओं ने किया है अवैध रूप से कब्जा। देखिए आवाज न्यूज 24 की खास खबर हमारे संवाददाता गोपाल सोनी के साथ में। 24/7 गोपाल सोनी संवाददाता, यहाँ पे पानी की बोरिंग लगी हुई है, यहाँ को हटाकर कब्जा करने के लिए यहाँ की दूध की डेयरी लगी हुई है, ये यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कब्जा कैसे हुआ, कब हुआ। सर आप बताना चाहेंगे ये? सर इस थरी के बारे में सुबह में मुझे जानकारी मिली है, आज सुबह में, चूँकि मैं यहाँ वार्ड नंबर 13 का वार्ड पंच भी हूँ और मंगलम सिटी विकास समिति का अध्यक्ष भी हूँ, तो इस थरी की जानकारी हमें राणा जी और जुगुल जी के द्वारा मिली। तो मैं आया था तो लोगों ने जो है ना, किसी ने इस थरी को यहाँ पे रखने की कोशिश करी थी, असामाजिक तत्वों ने रखने की कोशिश करी थी जो मंदिर प्रांगण के पास में था। अब क्या है कि अभी तक इस थरी का कौन है, किसने रखा, क्या है, वो कोई भी जानकारी हमारे पास अभी नहीं है। अब ये क्या है कि जिन्होंने भी रखा, अब यहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ के निवासी हैं, उनके द्वारा इनके थरी को विफल कर दिया गया कि जो भाई अतिक्रमण किया, कब्जा किया जा रहा था, उसको विफल किया गया है। और बाकी प्रशासन और जो है प्रशासन को भी अवगत करवाया गया है इसके बारे में। तो जैसे ये इसको संभालने के लिए कभी कोई आया था या अभी तक कोई आया ही नहीं है? रात को चोरी छुपे अभी तो हमारे जानकारी में तो कोई आया नहीं है कि किसकी थरी है, क्या है। और जैसा कि सुबह में यहाँ पे लोगों ने हटाया था इस थरी को, पहले वहाँ पे लगा हुआ था, अभी उसको हटा के यहाँ पे किया है थरी को, ये है। और इसकी कोई जानकारी किसी समिति को या अपने को कोई जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे कोई थरी लग रही है। दूसरा ये है कि मैं आगे भी प्रशासन से और जो है उनसे यही रिक्वेस्ट और निवेदन करना चाहूँगा कि मंगलम सिटी में कहीं भी कुछ ये होता है तो यहाँ की सोसाइटी बनी हुई है, तो सोसाइटी से एक बार परमिशन होनी चाहिए कि हाँ जी मंगलम सिटी सोसाइटी से वो परमिशन लेके आए, मंगलम सिटी विकास समिति से, ताकि मंगलम सिटी विकास समिति को भी पता रहना चाहिए कि कौन सा जगह सही है, कौन सा जगह गलत है, अपने को कहाँ परमिशन देने हैं, कहाँ नहीं देने हैं। चूँकि लोगों के साथ अपन जुड़े हुए हैं तो लोगों के बारे में, लोगों की भावनाओं का भी ख्याल है, सब पता है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ होनी चाहिए। तो अगर कोई आते हैं हमारे पास तो अपन उनको फिर सजेस्ट कर सकते थे कि कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई आए नहीं, जिसकी वजह से आज देखो काफ़ी लोग परेशान हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग व्याकुल हैं। उनके अलावा जो है सामाजिक तत्व